हाँ जी, आप जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल लैक्चर 5 ते आ गए इनफाइनाइट सीरीज़ ते। इस तो पहला आपां क्या करता हैगा तुहाडे पास, आपां लिमिट, आपां सिंपल डेफिनेशन पढ़ी सी पहले चैप्टर दे विच, टेलीस्कोपिक सीरीज़, ठीक है, चाहे बाय पार्शल फ्रैक्शन कीते सी क्वेश्चन। फिर दूजे लैक्चर दे विच आपां लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कीता सीगा, ते फिर आपां लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपां ए एन बी एन च बी एन दी पॉसिबिलिटी अराइज कराई सी, बी एन दी वैल्यू 1/(n)^p सी पी, ते आपां बी सिलेक्ट करते सी। हालांकि आपां ने यह कहा सीगा कि तुहाडे कोल कोई पक्का मैथड नहीं है, तुसीं किसी होर तरह भी कर सकते हो। फिर दैन आपां कॉची रूट टेस्ट किया सी कि तुहाडे कोल पावर विच एन या उहदे मल्टीपल्स आ जाण, ठीक है जी। फिर उस तो बाद आपां डी एल लंबर्ट रेशो टेस्ट पढ़िया सीगा, ठीक है जी। हालांकि डी एल लंबर्ट रेशो टेस्ट दोबारा आएगा जदों उहदा प्रॉपर फेलियर आएगा, ठीक है, फिर रेबीज अराइज होएगा, ठीक है, या गॉस टेस्ट अराइज होएगा। पर हुण जो आपां पिछे पढ़े आ, जिहड़ी एग्जाम्पल हुण तुहाडे सामने आ रही है ना, वो कुछ वो की हैगी है, वो कहिंदा वी इक उहने एग्जाम्पल दित्ती है, कहिंदा कॉची टेस्ट इंडिकेट कन्वर्जेंट बट डी एल लंबर्ट रेशो टेस्ट इज़ इनकनकलूसिव। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की गल करिए ना, उत्थे एक चीज़ जे क्वेश्चन आता है, मैं आगे नोट भी दिता हुआ है, भी जिहड़ा कॉची रूट टेस्ट है वो बैटर है, तुसीं एग्जाम्पल दो। सो ये एग्जाम्पल मैमोराइज कर लेनी है, तो फिर ये एग्जाम्पल उत्थे आपां देनी पै जांदी है तुहाडे को। सो आप एग्जाम्पल की लिखी है, 1/2 + 1/3 + 1/2 दा स्केयर, एग्जाम्पल तुहानूं दिस रही है, ठीक है जी। तो दो वाली सीरीज अलग तो चल रही है, आपां उहदा ए एन लिखिया, ए एन किवें लिखिया, 1/2 1/2 n + 1/2 आ गया, 1/3 n/2 हो गया, वैन एन इज ओड। सोच के देखो, जो ओड, जब मैं 1 फिल करना हो तो इतने फिल करूँगा 1 + 1 2 2/2, ठीक है, तो जोड़ा है 1 रह गया। सो फर्स्ट टर्म साड़ी टैली कर गई, ठीक है जी। और 1/3 की पावर n, अगर n ईवन, अगर मैं n दो मूहरे 2 फिल करूँगा तो 1/3 आ जाएगा। इदा सारिया टर्मा आ जाती सीरीज। एक होर चीज़ का ख्याल रखना पैदा जी, सू प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि बाई चांस थोड़ी पहली दूजी टर्म ना आए, बाकी टर्म आ रही हों, तो फिर पहली दूजी टर्म ओमिट कर देती है, उस टर्म छड़ देता है। इन्नी चिंता वाली गल नहीं, क्योंकि डे 1 के आप जो रिजल्ट पढ़िया से ना, वो ये पढ़िया से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप ओमिट कर दीए तो सीरीज़ की कन्वर्जन डिवर्जन नेचर से फर्क नहीं पैंदा हैगा, ठीक है जी। हुण आपां ए एन डिफाइन कर लिया, ठीक है, उस तो बाद आपां तीन टर्मां होर डिफाइन कर रहे हैं, a2n + 1, a2n ते a2n। हुण हर बंदे नूं पता है कि a2n + 1 ऑड हुंदा है, ते जे ऑड हुंदा है तो फिर ऑड वाली चीज़ 'च फिल होगा ना, फिर इत्थे ही फिल होगा ना, ये वाला जो इत्थे ही फिल होगा, तो एन दी जगह ते 2n - 1, 1 ना 1 कटेगा 2 ना 2, ठीक है, 2^n आ गया। मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं, 2n ईवन थान ते, पर उत्थे एन दी थान ते 2n 2 ना 2 कट गया, n की पावर n आ गया, ठीक है जी। सो अगला जिहड़ा 2n + 1 ऑड है, 2n + 1 इत्थे भरूगा तो 2 2n + 1 आ जाऊगा, ठीक है जी। सो आपने तीन वैल्यूज निकालनी है, बेनीफिट की होगा इन्हों का तुम्हें अगे जाके हमने पता लग चुका थोड़े को, ठीक है जी। सो जो है थोड़े को कापी पर लिखे है, थोड़ा जहा हिलान शरोला हो जाता है, बस अगले लैक्चर तो मैं सारे पेजों पर लिख रहा। सो a2n / 2n, सोच के देखो, ए वाली चीज़ जी हैगी है उपर बड़ी नीचे छोटी ली है, ठीक है, a2n है, 2n - 1 है, क्योंकि एन नैचुरल होंगे। तो आप वैल्यूज लिया, तो वैल्यूज लिया तो यह उल्टा होगी, एक तो छोटी चीज़ की पावर एन एन अप्रोचेज टू इनफिनिटी, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक हो गया। इस तरह फिर वड्डी जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, उहदे नाल जिहड़ा हैगा रेशो, देखो उपर वड्डी सी नीचे छोटी सी, उपर वड्डी नीचे छोटी, दो लगातार टर्म है, तो आपां उत्थे पहलां भी तो डी एल लंबर्ट रेशो टेस्ट इदां ही करदे सीगे, n + 1 / n। सो एन है, कुछ भी हो सकता तुहाडे को, ठीक है जी। सो a2n + 1 an लिया, ठीक है, इहदे विच वैल्यूज लई, इहदे विच एक तो बड़ी रे पावर इनफिनिटी, इहदे विच आंसर इनफिनिटी आ गया। जबकि जे डी एल लंबर्ट रेशो टेस्ट वैलिड हुंदा तां इहनूं दोनों लिमिटा ते आंसर सेम देना चाहिए था सीगा, ठीक है जी। जो आप कहने कि an + 1 / an, वह मतलब की है कि एक एन है तो दूसरी उस तो अगली कंजेक्टिव है, तो मैं भी तो यही ले रहा हूँ, कंजेक्टिव का ही फर्क है, आंसर सेम नहीं आया था, मतलब रेशो टेस्ट इनकनकलूसिव हो गया इस केस में, ठीक है। तो भाई आ गई कॉची रूट टेस्ट की, कॉची रूट टेस्ट ईवन वाली रकम से लाया, ईवन वाली रकम से लाया, ठीक है जी। सो तुहाडे कोल एन एन तक कट गया, बाकी रहा तुहाडे कोल एन अप्रोच इनफिनिटी, 1/√3 आ गया। सो एक तो छोटा है कन्वर्जेंट है, सो अगले पार्ट से चले गए, ठीक है जी। जदों अगले पार्ट से चले गए, ऑड वाली लगा दिता, ऑड वाली स्टिल फिर वही हिसाब किताब बन गया साडा एन अप्रोच इनफिनिटी ते, सो फिर भी कन्वर्जेंट आ गया। असीं तां आंसर देखना कन्वर्जेंट डिवर्जेंट, असीं वैल्यू नहीं देखनी। सो दिस एग्जाम्पल शोज दैट कॉची रूट टेस्ट इज़ बैटर दैन डी एल लंबर्ट टेस्ट। सो ये मेमोराइज कर लेनी है,
ऐसी एग्जाम्पल, क्योंकि ये एग्जाम्पल जी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अद्धी एग्जाम्पल थोड़ी बुक कुछ होर होएगी। सो या तो ये कह दिंदा है भी रकम देती शो करो कि कौची रोड टेस्ट बैटर है, तां वी तुसीं इदां ही करना है, या तुहानूं एग्जाम्पल दे के कहूगा, तुहानूं पुछूगा भाई जिहड़ा हैगा तुसीं दसो बैटर है, तां वी तुसीं आ एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया होगा। चलिए जी अगे। ठीक है, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण आ गया अपना कौची इंटैगरल टैसट। ठीक है जी, कौची इंटैगरल टैसट जदों भी पेपर च आता है तो पेपर च कह के ही आता है। ठीक है, सो अगे बंदे दा सवाल हुंदा जी ना कह के आवे। अरे ना कह के आवे तो तुहाडे कोल होर ऑप्शनस भी हो सकदी हैं, तुसीं ऐसी हो सकता कि तुसीं होर कोई टैसट ला के कर दो, तो ऐसा हो सकता तुहाडे कोल। आपां हुणे तुहानूं अगे जाके एग्जाम्पल समझावांगे। तो कौची इंटैगरल टैसट है, तो जिहड़ा तुहाडा पी सीरीज टैसट है, अगर तुसीं पी सीरीज टैसट का प्रूफ करना है तो सिर्फ अज समझना। ठीक है, कौची इंटैगरल टैसट समझना, ये तुहानूं उहदा प्रूफ बड़े तुसीं आराम नाल कर पाओगे। सो टैसट की कह रहा है, कहिंदा एफ एक्स इज़ ए नॉन नैगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। नॉन नैगेटिव वर्ड यूज होंगे, थोड़ी वैल्यू या जीरो होएगी या पॉजिटिव होएगी फंक्शन की। नॉन नैगेटिव फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ठीक है जी, अगर थोड़ा एफ नॉन नैगेटिव है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो उस केस के विच, ठीक है, समेशन एफ एन जो कि थोड़े क्वेश्चन होएगी, तो वन टू इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ये दोनों बिहेव लाइक कर दी हैं। बिहेव लाइक का मतलब है दोनों जड़िया हैं थोड़े को या दोनों कन्वर्ज करनगियाँ या दोनों डिवर्ज करनगियाँ। ठीक है जी, आप एग्जाम्पल ले लिया, आपको आ सवाल दिता हुआ हूँ कौची लाओ उस टाइम जिस टाइम थोड़ा ए लगे मैंने इंटैग्रेशन भी आती है तो मैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जोड़ा है यदा प्रूव कर लूँगा, अदरवाइज बंदा वैसे ही उलझ जाता। सो आ फंक्शन ले लिया जी एन इंटू ई की पावर माइनस एन स्केयर। ठीक है, तो एफ एन आपने ले लिया, एफ एन जोड़ा है इक्वल टू एन ई की पावर माइनस एन स्केयर। ठीक है, वो कोरसपोंडिंग एफ एक्स डिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, हूँ थोड़े को जोड़ा है ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਨ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਇਲਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਜਿਕ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਆ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ 2 ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮੋਨੋਟੋਨਿਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਫ ਐਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਚੀ ਟੈਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਕੌਚੀ ਟੈਸਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਐਨ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ, ਹੁਣ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ 1 ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਈ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਘਟੂ। ਸੋ 2 ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟ ਪਾਰਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2n³ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n4 ਐਨ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 4+3। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਚੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਊਬ, ਨੀਚੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 4, ਦੋਨੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਏ ਐਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/n ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਬੀ ਐਨ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੈ ਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਐਨ ਬੀ ਐਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਬੀ ਐਨ 1/n ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੌਚੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਚੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਕਮ ਚੱਕ ਲਈ। ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਐਫ ਡੈਸ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੱਢਿਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 9 ਮਾਈਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤਾਂ 1 ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ।
ठीक है, वन फिल करोगे फिर गल नहीं बढ़नी है कि, क्योंकि देखो आ पॉजिटिव वन फिल किया पॉजिटिव, क्योंकि वन दस चार रेज करोगे तो वन, ये तो मतलब वन से घट बट जो तुम टू फिल करोगे तो 16 फिर नैगेटिव थ्री तो भी नैगेटिव, ये तो मतलब वन से दिक्कत नहीं कि तुम लिमिट न टू तो स्टार्ट कर दो। सो इस करके जो क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन नोट करना मैं दो तो ग्रेटर लिया और यह बहुत बहुत जरूरी है, आही लिमिट उरे लेनी है। सो सब तो जरूरी चीज़ उधर बनते सी, रट्टा नहीं मारना भी बन तो होंगे टेस्ट, ठीक है बन तो होंगे पर बनते मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ही नहीं है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग से तो फंक्शन करना है, यह मतलब आ चीज़ होगी। और जे तो ठीक ठाक इंटैग्रेशन आती हो तो जे नीचे देखिए तो डेरिवेटिव है जोड़ा वो 4x³ है, तो मतलब उपरों बनाना उत्ते नीचे गुणा की, जो थोड़ा डेरिवेटिव बन गया लॉग वाली प्रॉपर्टी होंगी अपर माइनस लोअर तुम्हें करना आता है, तो इनफिनिटी कदे रख के नहीं भरी दी होंगी, इनफिनिटी हमेशा लिमिट लैके भरी दी होंगी क्योंकि लिमिटिंग केस है, ठीक है जी। इनफिनिटी कोई नंबर नहीं है कि जिसे एक नोशनल वैल्यू होंगी है, एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी बहुत वड्डी वैल्यू अनंत वल जा रहे हाँ, बट एक्स इक्वल टू इनफिनिटी कदे नहीं होंगे, इनफिनिटी चाके इतने भर दो, ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखना, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम हो जाता है कई बार, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुम्हें आप भी समझ आ गया, ठीक है। सो आगे चले गए, मतलब एक कॉची इंटीग्रल टेस्ट ऐसा है जो पिछले सारे लेक्चर भी थोड़े मिस होने इंडिविजुअल है तुम्हें समझ आ जाता है, ठीक है। तो अगे क्वेश्चन है एन दो तो जोड़ा है इनफिनिटी तक एन लॉग ऑफ लॉग एन उत्तों पी। सो लॉग च बड़ी खतरनाक जी सिचुएशन दिती हुई है, ठीक है जी। सो जोड़ा है सो मेरे पेन ना लिखा हुआ है, पहला तो लिखा हुआ है भी, जो तो वीडियो बनाने की कोई इच्छा नहीं सी, इस करके थोड़ा लगता है फिक्का है, बट जो मैं हूँ लिख रहा हूँ मैं सारे स्केच ना लिख रहा हूँ। सो एफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स आप लिख लिया तो पास, ठीक है जी। सो एन द एक्स ग्रेटर दैन जोड़ा है तोड़े को जोड़ा है कहता पॉजिटिव फंक्शन हैगा तोड़े को, ठीक है। फोर एक्स ग्रेटर दैन थ्री हैगा तोड़े को, ठीक है। हुण तुसी की करना हैगा तोड़े को, इत्थे तुहानू छड़ दिता तोड़े को, इहदा जोड़ा हैगा जे मान लो तुहानू लगे कि डेरीवेटिव कॉम्प्लीकेटड हुंदा है तो तुसी मोनोटोनिक इन डिक्रीजिंग वैसे भी लॉजिक ना एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। हुण जे तुसी देई चलो ना तुसी उर वैल्यूज देई जाओगे एक्स दियां ते वन ओवर करके फंक्शन है, जिउं जिउं लॉग दी वैल्यू एक्स दी वैल्यू थोड़ी वधदी जाएगी, ठीक है जी। तो जोड़ा हैगा तुहाडे कोल उस केस दे विच जोड़ा हैगा ए ए नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डिक्रीज होता जाएगा। सो जिथे डेरिवेटिव थोड़ा लगता कॉम्प्लीकेटड है उत्थे बाय लॉजिक तुसी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हैगी। थोड़े को वन अपॉन समथिंग एंड समथिंग इनक्रीज इज इट्स वैल्यू, ठीक है। मतलब डिवेल्प लॉजिक लॉजिक तुसी डिवेल्प कर लोगे तुहाडे कोल, हुण जदों तुसी लॉजिक डिवेल्प कर लिया इत्थे एक पी तंग करेगा तुहानूं, ठीक है। हुण पी की वैल्यू की हो सकती है, इहदे ते आपां ऑप्शनस लैके क्वेश्चन सोल्व करने। सो जे तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तुहानूं सारा लैक्चर समझ आ गया, सो इस करके पूरा फोकस करियो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मैं की लिखिया तुहाडे कोल, ठीक है, तो मेरा ख्याल है तुहानूं दिस जाएगा तो पी इक्वल टू वन ते आ गई वैल्यू। सो जो असी पी इज इक्वल टू वन की गल करिए तीन तो लैके इनफिनिटी एफ एक्स डी एक्स आप लिख लिया तीन तो लैके इनफिनिटी, ठीक है। वन ओवर तो हूँ पी की वैल्यू वन पर लिया तो आ चीज़ लिख ली, ठीक है जी। सो अगर इसनों ठीक है आप लिखिए आ वाली चीज़ उपर लिख लिए तो आते लॉग ऑफ मतलब डेरीवेटिव लोगे तुम तो बड़े हिसाब न जोड़ा करके देखो डेरीवेटिव लॉग ऑफ लॉग एक्स का वन ओवर एक्स एक्स का फिर लॉग एक्स का करोगे वन ओवर एक्स। सो यह डेरीवेटिव पे तो लॉग ऑफ बन जाना बन जाना। सो इनफिनिटी पहला फिल करनी है तो जोड़ा है थोड़े को वो वाला केस दूजे तीन फरना, ठीक है। हुण अगर लॉग ऑफ इनफिनिटी तो जोड़ा है इनफिनिटी होंगे थोड़े को फिर इतने इनफिनिटी आ जाऊगा फिर लॉग ऑफ इनफिनिटी इनफिनिटी अल्टीमेटली सारा डाइवर्ज कर जूगा। सो पहला केस थोड़ा डाइवर्जेंट वाला हो गया, ठीक है जी। सो जोड़ा है इतने तक तो समझ आ गया सारा, ठीक है। सो दोबारा वो कॉपी हिल गई सी तो आ चीज़ तुम दोबारा देख लेनी है। हूँ अगर पी नहीं है वन के बराबर, ठीक है, फिर जब तक जो वन तो बड़ा होएगा या वन तो छोटा होएगा सो दो केस अराइज हो जाएंगे, ठीक है। आपा पी ही लिख लिया आप उपर लैके सारी टर्म, ठीक है। थोड़ा डेरीवेटिव अंदर ले पे हूँ की होएगा इस चीज़ कैड हो जाएगा तो नीचे वन माइनस पी हो जाएगा, हो गया जी, ठीक है। सो पी क्वेश्चन च आ गया, हूँ पी के केस बनावे, ठीक है। सो आप अगे गए, ठीक है जी। सो जोड़ा है थोड़े को सो नीचे वन ओवर वन माइनस पी आ गया, ठीक है। तो आ वाली चीज तो आ वाली चीज, ठीक है जी। आप लिख ली ध्यान ना देखो सारा कुछ पिछे हैगा, अगर आप आ लिखिए, ठीक है, तो इस विच ध्यान नाल देखिए अगर आप
लॉग ऑफ लॉग एक्स नीचे एदा है गया 1 माइनस पी तो अड़े कोल जड़ा है गया रूल की लाया रूल ही लाया तो अड़े कोल भी एदा डेरिवेटिव आ पे और अगर अपने कोल एफ एक्स की पावर एन होंगी है तो नाल डेरिवेटिव बैठा हो तो आंसर आता हूँ एफ एक्स ठीक है यदि पावर एन प्लस वन नीचे एन प्लस वन प्लस सी तो यदा मतलब है थोड़ा डेरिवेटिव बैठा है ना बैठा है तो यह मतलब ये चीज़ प्लस वन हो जाना सो आ चीज़ होगी हूँ अपन ने क्या करना आप अपर माइनस लोअर ही करना ना तो यदि इनफिनिटी अलग तो हो जूगी लोअर वाले की डिफरेंस लैके आप फिल कर देंगे सो देखो जी ठीक है तो अगला स्टेप है जिहड़ा तुहाडे कोल ठीक है अपन ने पहले नंबर पर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा उन्हें एडजस्ट करके लिख लिया ठीक है हुण जरा ध्यान नाल देखो बई जिहड़ी हैगी है वैल्यूज़ किस तरह एडजस्ट हुई ने ठीक है ये वैल्यूज़ बहुत जरूरी हैं एडजस्ट करनिया जे एडजस्ट तुहानूं ना समझ आईया फिर तुहाडा क्वेश्चन उड़ जाएगा तुहाडे कोल क्वेश्चन च गड़बड़ हो जाएगी दोबारा देखियो जी पिछली टर्म क्योंकि पिछे जिहड़ा हैगा पिछली वाली टर्म आपां नूं मिला के चलनी पैणी है नहीं तां गड़बड़ हो जाणी है तुहाडे कोल पिछली वाली टर्म जिहड़ी है ये लॉग ऑफ ते आ है ठीक है जी तो अगर तुसीं देखो तुहाडे कोल ठीक है इनू ध्यान नाल देखिए आप लॉग ऑफ एक्स सी ना थोड़े को सो ये इस तरह है लॉग ऑफ एक्स यदि पावर जो तो आप रेज की माइन 1 माइनस पी नीचे 1 माइनस पी ए वाली चीज आ गई जी ठीक है हूँ जरा आपू ध्यान नाल देखिए या तो मैं तुम्हें कॉपी पर लिख के दिखाव तो अगले स्टेप दे विच अपर माइनस लोअर किया अपर माइनस लोअर दे विच की हैगा एक बार अपर लिमिट भरनी अपर लिमिट भरन दे विच तुसी की करना है एक्स अप्रोचिस टू इनफिनिटी ठीक है जी माइनस तो फिर लोअर लिमिट हैगी है तुहाडे कोल तुसी ओ वाली वैल्यू फिल कर दिती तो ऑप्शन वाली रकम तुसी बाहर कढ़ दिती ठीक है जी इतों बड़े ध्यान नाल देखो जो नीचे सी वो तो बाहर पिया ठीक है वो अपर माइनस लोअर है यदि इनफिनिटी अंदर लै गए ठीक है लॉग ऑफ 3 इतने 1 माइनस पी हैगा ही हैगा ये तो देखो मानी पिछले विच अपर माइनस लोअर की है होर कुछ नहीं हूँ सोच के देखो जरा अगर पी लैस दैन 1 है ध्यान ना देखो अगर पी लैस दैन 1 है सोच के देखना जो मैं इतने लैस दैन 1 वैल्यू भरूंगा ये उत्ते ही रह जाएगी तो जे यदी तो टेंशन ही ना लो थोड़े को ठीक है क्योंकि अपना एक्स अप्रोच इनफिनिटी ये तो कुछ है ही नहीं ना तो एबसोल्यूट वैल्यू है यदा तो रोल ही नहीं गा थोड़े को सो मतलब ए वाली चीज़ तो सोचो ही ना हूँ वारी है कि इस चीज़ की ठीक है एक्स अप्रोच टू इनफिनिटी लॉग ऑफ ठीक है अगर मेरी वैल्यू पी दी एक तो छोटी हो रही है तो आपने एक तो छोटी हो रही है थोड़े को उपर ही रह जूगा लॉग इनफिनिटी तो खत्म हो जाएगा इनफिनिटी बन जाएगा इनफिनिटी चो जोड़ना घटना कुछ नहीं अगर मेरी वैल्यू पी दी ग्रेटर हो जाए पी दी ग्रेटर हो जाए उरे मतलब एक तो बद गई नैगेटिव आ जाएगी नीचे चलेगा 1/∞ 1/∞ तो जोड़ा है ये टर्म हट जाएगी 0 हो जाएगी तो वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगा सो इतने तक कर लो जी इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान नाल देख लियो क्योंकि एक तो पेज शिफ्ट करन च गड़बड़ हो जाती है दोबारा दसदा तुहानू आ देखो ना ये जे मैं इतों ही जोड़ा हैगा इतें ही लिखता ना तो समझ ही आ जाता 1 माइनस पी काढ़ लिया तो ये लॉग ऑफ लॉग एक्स है जोड़ा ठीक है यदि वैल्यू 1 माइनस पी है ये 0 to infinity हूँ इनफिनिटी अलग लिखनी है माइनस थोड़े पास हो रही है 3 है 3 वाली टर्म अलग लिखनी सो वो इतने लिखी हुई है पेज कंटिन्यूएशन दे विच थोड़ी जी ठीक है जी सो इतने तक है आ चीज़ के ख्याल ना देख लेना कि जो ये एक तो घट रहेगा तो इन्हें उत्ते ही रहना थोड़े वर्ष अगर एक तो वो गया नैगेटिव नैगेटिव नीचे आ जाता 1/∞ बस ठीक है जी सो इतने लैक्चर थोड़ा एंड हों आस है समझ आ गई होएगी तो ठीक है जी थैंक यू।